वेलकम टू ऑल, आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। इसके पहले मैंने सेक्शन 4 यानी प्रिजम्पशन के बारे में डिस्कस किया। पहले जो वीडियो बनाए उसमें मैंने प्रिजम्पशन के बारे में डिस्कस किया। आज मैं सेक्शन 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव दिया है, ठीक है। तो ये जो मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम में कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है, ठीक है। एक तो कोर्ट ऑफ फैक्ट मान भी सकता है प्रूव हो गई करके, या नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तब तक कोर्ट मानेगा ये फैक्ट प्रूव हो गई मे प्रिज्यूम में कि जब तक अगेंस्ट पार्टी उसको डिस्प्रूव नहीं करती। डिस्प्रूव करने के लिए अगेंस्ट पार्टी को कोर्ट के सामने एविडेंस लाना पड़ेगा, वो फैक्ट डिस्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक वो फैक्ट डिस्प्रूव नहीं होती तब तक कोर्ट ये मानेगा कि नहीं भाई वो फैक्ट प्रूव हो गई, वो है मे प्रिज्यूम, ठीक है। मे प्रिज्यूम में इतना ही है कि जब कोई पार्टी, जब इन्हें कोर्ट, अगर कोर्ट ने मान लिया कि नहीं भाई ये फैक्ट प्रूव हो गई तो प्रूव हो गई। कब तक ये रहेगा कि जब तक अगेंस्ट पार्टी उसको डिस्प्रूव नहीं करेंगी या डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने कोई एविडेंस नहीं लाएंगे तब तक ये कोर्ट मानेगा कि ये फैक्ट प्रूव हो गई। तो ये सेक्शन 86, 87, 88, 90 और 114 आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रिजम्पशन के हैं। तो ये मे प्रिज्यूम में एग्जांपल ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के पास अगर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके पास अगर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि नहीं भाई वो एक तो चोर है, ठीक है, थीफ है, वो चोर है, उसने ही चुराया गुड्स, या उसने कई दूसरे से वो स्टोलन प्रॉपर्टी परचेस किया है, ठीक है, ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है, मे प्रिज्यूम, ठीक है। अगर उसको डिस्प्रूव करना है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी मिली, स्टोलन प्रॉपर्टी जिसके पास मिली, अगर उसको डिस्प्रूव करना है कि नहीं भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी का माल लिया नहीं, तो उसको अगर डिस्प्रूव करना है तो कोर्ट के सामने उसको एविडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो डिस्प्रूव हो जाएंगे फैक्ट, नहीं तो कोर्ट ये मान लेगा कि नहीं भाई वो चोर है, उसने चोरी का माल लिया है, ठीक है। ये हो गया मे प्रिज्यूम। इसके बाद शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम में क्या है, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट को मानना ही पड़ता है। इट इज़ मैंडेटरी लाइज अपॉन द कोर्ट टू प्रिज्यूम द फैक्ट। कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि नहीं भाई ये फैक्ट, प्रिज्यूम फैक्ट मानना ही पड़ेगा कोर्ट को, ठीक है। वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस एक्ट, बाई दिस एक्ट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज अ प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिस्प्रूव। कोर्ट ये मानेंगे कि नहीं भाई ये फैक्ट प्रूव्ड हो गई, ठीक है, कोर्ट मानेगी, मानना ही पड़ेगा कोर्ट को ये फैक्ट प्रूव्ड हो गई। तब तक ये फैक्ट प्रूव्ड रहेंगी जब तक अगेंस्ट पार्टी कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं लाते, और जब तक वो डिस्प्रूव नहीं करते तब तक कोर्ट ये मानेगा कि नहीं भाई वो फैक्ट प्रूव्ड हो गई, ठीक है। ये सेक्शन 79 टू 85 तक है। 89, 105 एंड 113 बी आर एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन के एग्जांपल। तो इसमें भी एग्जांपल अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। चाइल्ड इज बॉर्न इन लीगल वेडलॉक, अगर किसी कपल है, लीगली वेडेड है, ठीक है, उनको अगर चाइल्ड बॉर्न हुआ तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच चाइल्ड इज लेजिटिमेट। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि नहीं भाई वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, लेजिटिमेट चाइल्ड है। अगर कोई वन पर्सन रेज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेजिटिमिटी ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि, अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन रेज करता है कि लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड के बारे में, तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा कि नहीं भाई वो लीगली चाइल्ड नहीं है। तो जब तक वो कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं लाएगा, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं करेगा लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, तब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा यानी मानेगा, कोर्ट मानेगा कि नहीं भाई वो चाइल्ड जो है चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड है एंड चाइल्ड इज बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, ठीक है। तो ये हो गया आपका शैल प्रिज्यूम, ठीक है। इसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये जो कंक्लूसिव प्रूफ जो है, तो कंक्लूसिव प्रूफ में ये दिया है, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट
ये एक्ट ने वन फैक्ट डिक्लेयर कर दिया टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनादर, अनादर फैक्ट का ये कंक्लूसिव प्रूफ करके ये एक्ट ने डिक्लेयर अगर किया, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अनादर फैक्ट, अनादर फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ करके अगर डिक्लेयर कर दिया ये एक्ट ने, ठीक है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को ये मानना पड़ेगा ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर्स एज अ प्रूफ एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। अगर ये एक्ट ने डिक्लेयर किया कि वन फैक्ट इज अ प्रूफ टू अनादर फैक्ट, ये एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से प्रूफ हो गई, ये एक्ट ने डिक्लेयर किया, ठीक है, और कोर्ट भी ये प्रिज्यूम कर रहा कि कंक्लूसिव प्रूफ कर रहा कि नहीं भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, यानी वन फैक्ट इज अप्रूव्ड एंड वन फैक्ट इज अप्रूव्ड एंड अनदर फैक्ट इज अप्रूव्ड, ठीक है, कोर्ट ने ये मान लिया कि नहीं भाई वो फैक्ट प्रूव्ड हो गई, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, ठीक है, तो इसके बाद कोर्ट अलाउ नहीं करेंगी डिसप्रूव करने के लिए, कोर्ट अलाउ नहीं करेंगी दूसरे पार्टी को कि एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, एविडेंस अलाउ नहीं करेंगी टू डिसप्रूविंग द फैक्ट जो कोर्ट ने मान लिया कि नहीं भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ है ये कोर्ट ने मान लिया, फैक्ट प्रूव हो गई कोर्ट ने मान लिया और कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, ठीक है, ये कोर्ट ने अगर मान लिया तो ये डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट पार्टी को अलाउ नहीं करेंगी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो ये डिसप्रूव नहीं कर सकते कंक्लूसिव प्रूफ में। तो इसका इलस्ट्रेशन अपन देखते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड हु इज अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें ये दिया है सेक्शन 82 में, अगर कोई चाइल्ड है उसकी उम्र 7 ईयर के नीचे है, उसने अगर कोई एक्ट किया तो सेक्शन 82 के अनुसार नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं बन जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर एक्ट इज वेदर द नेचर ऑफ द एक्ट, ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसके लिए ये जो है अगर कोई व्यक्ति इसके अगेंस्ट में कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं ला सकता, ये फैक्ट डिसप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलरेडी इट इज सेटल्ड इन सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 82 सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय द चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, इट इज सेटल्ड प्रोविजन इज अंडर सेक्शन 82, तो इसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस की कोई जरूरत नहीं और कोर्ट अलाउ नहीं करेंगे एविडेंस का, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, जहाँ कंक्लूसिव प्रूफ आता वहाँ कोर्ट एविडेंस अलाउ नहीं करती डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया अपना मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम में डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट मान भी सकती नहीं भी मान सकती, ठीक है, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है कोर्ट को, ठीक है, और कंक्लूसिव जो प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ आप डिसप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट ने अगर एक बार मान लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें सेटल प्रोविजंस है तो आप इसको डिसप्रूव नहीं कर सकते, कोर्ट एविडेंस अलाउ नहीं करेंगे डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया अपना मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो हो सकता है आपको ये समझ में आया होगा, समझा होगा ये जो मैंने बताया अभी, तो आप ये वीडियो लाइक करो और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।